नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। करीबन 2500 साल पहले हिमालय के आंचल में एक राजा की किंगडम थी जिनकी संतान इस दुनिया में आने वाली थी। अपनी इस आने वाली संतान के लिए राजा के पास एक ग्रैंड आइडिया था। वो अपनी संतान को उसके ग्रैंड पैलेस के बाहर की दुनिया और उसकी सफरिंग से बिल्कुल अलग रखना चाहते थे और उसे उसी ग्रैंड पैलेस में दुनिया की सब सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अब जब उनकी संतान हुई तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही किया। उसे बस ग्रैंड पैलेस में ही रखा जहां उसे खेलने के लिए हर तरह के खिलौने, खाने के लिए हर तरह का खाना और पहनने के लिए हर तरह के कपड़े दिए। युवराज का बाहर की दुनिया और प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था और युवराज का सारा बचपन ऐसे ही गुजरा। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसको ये सब सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगी। उसे हर रोज लगता था जैसे उसके जीवन में कोई कमी है। तो एक रात राजकुमार अपने नौकर के साथ ग्रैंड पैलेस की बाहर की दुनिया देखने के लिए निकल चला। उसे लगा शायद वो दुनिया इस मीनिंगलेस जीवन से ज्यादा अच्छी होगी। पर जब राजकुमार ने बाहर की दुनिया देखी तो वो उसे बहुत ही भयानक लगी। अपने जीवन में पहली बार राजकुमार ने इंसान की प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स को देखा। खाना न मिलने से हुए बीमार लोग, इलाज न मिलने से हुए बीमार लोग, घर न होने की वजह से बेघर लोग, दर्द से तड़पते लोग और कुछ मरते लोग। जब वो ग्रैंड पैलेस पहुंचा तो उसने अपने राजा पिता को उसकी परवरिश के लिए दोषी ठहराया और कहा कि उसके जीवन को मीनिंगलेस बनाने वाले वही हैं। इतनी सुख सुविधाएं उन्हें मिली कि वो असली जिंदगी जो प्रॉब्लम्स और सफरिंग से भरी हुई है उसे समझ ही नहीं पाए और उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि जैसे आपने मेरे लिए सुख सुविधाओं भरी जिंदगी चुनी थी, आज मैं अपने लिए प्रॉब्लम्स और सफरिंग से भरी जिंदगी चुनता हूँ। मैं ये ग्रैंड पैलेस छोड़कर चला जाऊंगा और बाहर प्रॉब्लम्स और सफरिंग से भरी जिंदगी जीऊंगा जिससे शायद मैं जीवन का मतलब समझ पाऊं। और राजकुमार ग्रैंड पैलेस और उसकी सभी सुख सुविधाएं छोड़कर चले गए। अब जैसा राजकुमार ने अपने लिए जीवन चुना था, प्रॉब्लम्स और सफरिंग से भरा, उन्हें वैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ा। उन्हें भूखा रहना पड़ा, वो बीमार पड़ गए और एक समय ऐसा आया जब वो सिर्फ कुछ दानों पे जी रहे थे और बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए। इस तरह एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स और सफरिंग के साथ उन्होंने काफी साल काटे। अब काफी साल बाद उन्हें कुछ अलग नहीं लगा। जैसे उनको अपना जीवन बहुत सी सुख सुविधाओं के साथ लगता था मीनिंगलेस, वैसे ही उनको अपना जीवन इन प्रॉब्लम्स और सफरिंग के साथ लग रहा था मीनिंगलेस। अब जब सुख सुविधाओं के साथ उन्हें जीवन का मतलब नहीं मिला और एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स और सफरिंग झेलकर भी उनको जीवन का मतलब नहीं मिला तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपने इस जीवन में आने का पर्पस जरूर ढूंढ कर रहेंगे। और तब उन्होंने एक नदी किनारे पेड़ के नीचे समाधि ले ली और ये सोच लिया कि जब तक वो अपने सभी सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेंगे, उठेंगे नहीं। और दोस्तों, फिर बताया जाता है कि राजकुमार नदी किनारे उस पेड़ के नीचे 49 दिन बैठे, जिसके बाद उन्हें अपने जीवन में हो रही सभी कंफ्यूजन्स का जवाब मिल गया। दोस्तों, वो राजकुमार जिनको जीवन का अद्भुत ज्ञान उस दिन मिला था वो थे गौतम बुद्ध, जिस महान व्यक्तित्व को देश विदेश में सब जानते हैं। उस दिन मिले ज्ञान को उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी बना के, जिसे बुद्धिज्म भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में स्प्रेड की। दोस्तों, गौतम बुद्धा को जो रियलाइजेशन उस दिन हुई उसमें से एक रियलाइजेशन आज के हमारे वीडियो की पहली सीख मतलब लर्निंग है, जिस लर्निंग को इस बेहतरीन बुक के ऑथर ने गौतम बुद्धा की कहानी बताकर बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे कोई भी इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, जिससे उसे हैप्पीनेस तो मिलेगी, वो अपने जीवन को मीनिंगफुल भी बना लेगा। आइए जानते हैं इस लाइफ चेंजिंग लर्निंग को। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स बट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अमीर आदमी अपनी अमीरी की वजह से सफर करता है, गरीब आदमी अपनी गरीबी की वजह से सफर करता है। वो लोग जिनका कोई परिवार नहीं है वो परिवार ना होने की वजह से सफर करते हैं और कुछ लोग जिनका सुख समृद्धि से भरा परिवार है वो अपने परिवार होने की वजह से सफर करते हैं। तो किसी का जीवन कैसा भी है, हर तबके के इंसान के जीवन में एक चीज कॉमन है, प्रॉब्लम्स और सफरिंग। ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी की प्रॉब्लम्स और सफरिंग ज्यादा है, किसी की कम, पर प्रॉब्लम्स और सफरिंग सबके जीवन में है। अब ऑथर कहते हैं कि अगर अब ये ज्ञान आपको हो ही गया कि आपके जीवन में प्रॉब्लम और सफरिंग्स होना कोई अलग बात नहीं है, ये सबके जीवन का हिस्सा है, तो क्या वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको जीवन में लाकर इन प्रॉब्लम्स और सफरिंग के साथ भी जीवन को खुशी से जिया जा सकता है। वो सीक्रेट फॉर्मूला है लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स बट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। इस मूल मंत्र में जो मुख्य शब्द है वो है सॉल्विंग। ऑथर कहते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए या आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं,
तो आप अपने जीवन को दुख और निराशा से भर लेंगे। वहीं अगर आप ये मानते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है पर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तब भी आप अपने जीवन को दुख और निराशा से भर लेंगे। प्रॉब्लम्स और सफरिंग से भरे इस जीवन में हैप्पीनेस पाने का मूल मंत्र है छोटी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और आगे बढ़ना। आप याद कीजिए अपने जीवन की कुछ प्रॉब्लम्स जो जब आपके सामने आई तो आप बहुत दुखी थे, निराश थे, पर जब आपने हिम्मत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो कितनी खुशी हुई। तो दोस्तों पहली लर्निंग रिपीट करते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स बट हैप्पीनेस कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आइए बढ़ते हैं दूसरी लर्निंग की ओर। चूज योर स्ट्रगल्स, नो पेन नो गेन। दोस्तों ऑथर मार्क मेंशन अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि कैसे वो यंग एज में बहुत पैशनेटली एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे, एक रॉक स्टार। जब भी वो किसी रॉक स्टार बैंड का गाना सुनते तो आंखें बंद करके अपने आप को स्टेज पे लाखों ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हुए विजुलाइज करते। ये उनका सपना था। बस वो उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वो अपने स्कूल खत्म करेंगे और फिर कॉलेज के दौरान कुछ पैसा कमाकर म्यूजिशियन बनने के लिए रिक्वायर्ड गियर्स और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगे और फिर अपना सपना पूरा करेंगे। पर दोस्तों क्या समय के साथ उनका सपना सच हुआ? कभी नहीं दोस्तों। क्या कारण हुआ कि जिस चीज के लिए वो इतने पैशनेट थे, जो उनका बहुत सालों से सपना था, उसे वो बस सोचते रहे पर कभी पूरा नहीं कर पाए। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा और वो एंड रिजल्ट को फैंटेसाइज करते रहे। वो एक रॉक स्टार बन चुके हैं, लाखों ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लोग उनकी परफॉर्मेंस को जबरदस्त तरीके से सराह रहे हैं, पर एंड रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जिस प्रोसेस से उन्हें गुजरना था, वो जो कि पेनफुल होना वाला था, स्ट्रगल से भरा हुआ होने वाला था, उन्हें वो पसंद नहीं था। या कह सकते हैं कि उन्होंने पेन लेना या स्ट्रगल करना चूज ही नहीं किया। गियर्स खरीदने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, कॉलेज के साथ काम करने की पेन और स्ट्रगल, और फिर गियर्स खरीदने के बाद समय निकालने की स्ट्रगल, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने की स्ट्रगल, एक अच्छा ट्रेनिंग स्कूल ढूंढने की स्ट्रगल, और फर्दर ग्रुप प्रैक्टिस के लिए कोई ग्रुप ढूंढना और उनके साथ रिहर्सल करना, और फाइनली किसी अच्छी जगह परफॉर्मेंस देना ताकि अपनी स्किल को रिकॉग्नाइज करवाया जा सके और अच्छा काम मिल सके। एंड रिजल्ट जो कि बहुत अच्छा लगता है, उस तक पहुंचने के लिए ये सब पेन और स्ट्रगल भरे प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी था, जो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने कभी एफर्ट ही नहीं किया वो सब करने के लिए। उन्हें रिवॉर्ड तो चाहिए था पर बिना स्ट्रगल के, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों ऑथर अपनी इस कहानी से बताते हैं हमारे वीडियो की दूसरी सीख, चूज योर स्ट्रगल बिकॉज इफ नो पेन नो गेन। तो दोस्तों आपका कोई भी सपना, गोल, पैशन, एम्बिशन, फिर वो चाहे कुछ भी हो, ऑफिस में प्रमोशन, जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनना, वेट लॉस करना, यूट्यूब चैनल शुरू करना, या अपना और कोई भी पैशन फॉलो करना, सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप जो एंड रिजल्ट तक पहुंचने का पेन और स्ट्रगल से भरा प्रोसेस है वो रिपीटेडली फेल होकर भी परस्यू करना चाहते हैं? ऑफिस में प्रमोशन तभी मिलेगी जब डेली रात को बॉस के साथ लेट 9 बजे तक काम करोगे, ऑफिस पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव रहोगे, ऑफिस आवर्स के बाद भी और छुट्टी वाले दिन भी काम करोगे। इस डिफिकल्ट प्रोसेस को फॉलो किए बिना प्रमोशन का रिवॉर्ड मिलना इम्पॉसिबल है। सिमिलरली जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो रिस्क भरा जीवन जीने का, अनसर्टेनिटी से भरा जीवन जीने का, रिपीटेड फेलियर्स का, लेविश लाइफ जीना छोड़ने का, पेन और स्ट्रगल से भरा प्रोसेस से गुजरना होगा। वेट लॉस करना है तो डेली जिम शेड्यूल फॉलो करना, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना, वीकेंड पार्टीज को अवॉइड करना कि पेनफुल प्रोसेस और स्ट्रगल से गुजरना होगा। यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ चैनल पे वीडियो अपलोड करना होगा, जो बहुत ही डिमांडिंग है, पेनफुल और स्ट्रगल है। पर दोस्तों रिवॉर्ड तो पेनफुल और स्ट्रगलिंग प्रोसेस से गुजर कर ही मिलता है। तो दोस्तों आइए ऑथर की बताई दूसरी लर्निंग को रिपीट करते हैं, चूज योर स्ट्रगल बिकॉज इफ नो पेन देन नो गेन। तो दोस्तों ये थी दो खूबसूरत कहानियां और उसके द्वारा आपको जिंदगी के लिए दो सीख, जो आपको प्रॉब्लम्स और सफरिंग से भरे जीवन में हैप्पी रख सकती हैं और अपने गोल डिसाइड करने और उस तक पहुंचने का तरीका भी बताती हैं। ऑथर अपनी किताब में बहुत सी और बेहतरीन लर्निंग बताते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। दोस्तों अगर आप इस किताब के अलावा जितनी भी और किताबों पर मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव Amazon स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि स्टोरी राइट्स चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ।
वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आप इस किताब से कुछ और कहानियाँ और बेहतरीन लर्निंग्स जानना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।